हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सैटर्न टेक्निकल एंड व्लॉग। हम निकले हैं घूमने को, मैं और सोहेब भाई, हम दो लोग अब घूमने के लिए निकले हुए हैं। टू माय चैनल, तो आई होप गाइस, देखो अब हम पान खाने के लिए निकले हैं। बाय द वे, आपको अब पान खा के अपना अपने यहाँ पे शायर आया है, कवाल आया है, कवाल कवाल के आपको कवाली सुनाएंगे। आनंद लीजिए वीडियो का और मजा लीजिए, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ओके, तो सुन लिया आपने, तो इस तरह से हम करेंगे। तो आज हम पान खाने जाएंगे, पान खा के, एक लेजेंड होटल है हिम्मत नगर। आप लोगों ने तो खाया नहीं होगा। क्या 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 आप लोगों ने तो पान खाया नहीं होगा। हाँ, आप लोगों ने तो पान खाया नहीं होगा, लेकिन हम आपको दिखाएंगे किस तरह का पान होता है। अगर आपने खाया होगा तो आपको पता होगा, जो नहीं खाया होगा तो हम आपको दिखा देते हैं। देखो कोई हाथ तो देखो, बारिश का मौसम है, बारिश का मौसम है और पान खाने जा रहे हैं। पान खा के फिर हम कॉफी पीने जाएंगे लेजेंड होटल में। इधर से 7 किलोमीटर दूर है, उधर की कॉफी भी हम आपको दिखाएंगे, इधर पान दिखाएंगे आपको। तो भाई, आप कुछ कहना चाहते हो? आई होप गाइस, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, बारिश का मौसम है, अभी बारिश हुआ है, अभी अभी हम निकले हैं आप लोगों के लिए, तो इसीलिए आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब तो करें और मेरी चैनल को शेयर करें, आगे भी भेजिए। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं सीधे पान वाले की दुकान पे। हम पान खाने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में पता चला कि हम पेमेंट ही नहीं लाए, पैसे ही नहीं लाए, हम पान खाने तक के पैसे नहीं लाए। तो अब हम एटीएम में पहले तो जाएंगे, एटीएम में से पैसे निकालेंगे, फिर पान खाने के लिए जाएंगे। आप लोगों ने तो निकाले नहीं होंगे, आप लोगों ने तो पैसे मेरे को भेजे नहीं। तो अब हम जाते हैं HDFC का, मेरे को अभी इधर ATM दिखा, तो हम पहले HDFC में जाएंगे पैसे निकालने के लिए, फिर पान खाएंगे, फिर कॉफ़ी पियेंगे। ठीक है, चलिए। तो हम इधर HDFC में आए थे, लेकिन ATM ही बंद है, हमारा फूटे नसीब। अब हम जाएंगे दूसरे ATM में, आगे एक और ATM है, पानपुर पाटिया बड़ौदा बैंक, बड़ौदा बैंक के ATM में जाएंगे, उधर से पेमेंट निकालेंगे। आई होप गाइस, वीडियो में बने रहे, आपको हिम्मतनगर गुजरात HD का नज़ारा दिखलाएंगे। अब अगर आप हिम्मतनगर घूमे हो तो आपको पता होगा, आई होप गाइस अपने दिखा देगा आपको के चलिए अब दूसरे ATM में जाते हैं, उधर देखते उधर केस है कि नहीं है। चलिए, चलो ये बैंक ऑफ बड़ौदा भी बंद है, ये हमारे फूटी किस्मत है, अपने लूंडे। अब हम क्या करें, अब कौन से वक्त में निकल गए, कोई मुहूर्त ही नहीं सेट हो रहा, दोनों ATM बंद निकले। अब देखते हैं उधर उसका, अगर फोन पे गूगल पे चालू होगा तो ही हमारे को पान खाने के नसीब होंगे, नहीं तो फिर आज पान कैंसिल करना पड़ेगा।
लेकिन नहीं, हिम्मत नगर से भी बाहर निकलेंगे लेकिन पान तो खाएंगे। अबे साले, जब पान खाना तो खाना, पान तो खाना तो खाना ही है। तो अब इधर ये पहली बार पान नहीं खा रहे, खाया तो बहुत बार है, मगर खा के दिखना है। बस ये पान। अब इधर देखते हैं ये फोन वाले के उधर, हमको अगर गूगल पे फोन पे चालू हो तो ठीक है। पान बनने जा रहा है, अभी पान बन रहा है। होटल का नाम क्या नाम है? दिलावर तवा फ्राई, ये होटल का नाम है इधर। और ये रहे होटल, तो हम इधर से पान खा के अब निकल चुके हैं लेजेंड होटल की तरफ। बहुत ही बढ़िया पान था, मजा आ गया। मजा क्या हुआ? एक नंबर का पान, एक नंबर पान था, बहुत मजा आ गया। अगर हिम्मत नगर में आते हो तो इधर का पान जरूर खाइए, बहुत ही अच्छा पान था। अब हम जाते हैं कॉफी पीने के लिए, वो भी हम आपको आगे दिखाते हैं, ठीक है? तो ये है हिम्मत नगर का आरटीओ सर्कल, देखिए। कच्छ की गाड़ी इधर रुकती है, हम जब भी कच्छ कुछ घूमने जाते हैं तो इधर से हम बैठते हैं आरटीओ। ये है कड़ी वाला पेट्रोल पंप। ये है मोहम्मदी तवा फ्राई। नागिन अब हम सीधे जाते हैं लेजेंड होटल की तरफ, अंधेरे में दिखेगा नहीं कुछ, ठीक है?
तो अब उधर की कॉफी दिखाते हैं आपको। थम्सअप है और मैं चोक बार खा रहा हूँ, सॉरी जिल्लू बार। तो अब हमने चोक बार ने वो सब खा लिए है, कव्वाली सुनी होगी ना, इसके लिए फॉर्म में आ गया। इधर हाँ इधर देखो ना ट्रैफिक कितने। इधर किधर पार्किंग कर देना। नहीं लोक मत लगाना। अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुबारक नाम से महफिल का आगाज कर रहे हैं। हल्का सा नहीं, मैं असलम बाबा साहब से और सरकार के फरमान से इजाजत का तलबगार, जितने भी अहले निस्बत हजरात इस महफिल में तशरीफ रखते हैं, सभी लोग इजाजत से नवाजें, सभी लोगों से इजाजत का तलबगार हूँ। लीजिएगा नजर कर रहा हूँ, समाप्त फरमाइए। सरजमीन गुजरात बड़े खुश नसीब इलाका के बुजुर्गाने दीन के चाहने वाले हुजूर वास्पा गरीब नवाज सादिर पाक से अकीदत रखने वाले लोग हैं, मखदूम पाक से अकीदत रखने वाले लोग हैं। चंद मिसरे पढ़ रहा हूं, एक दुआइया।
क्योंकि लफ्ज कुन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुन कहा और कायनात की तखलीक फरमाई। मैं जमीर भाई से भी तवज्जो चाहते हुए शेर नजर कर रहा हूं। सरे आसमान
नबी का नाम लेने से मिला भी नाम होता है। यहां से इल्तिजा कर लूं दरे अक्दस पे जाने की, वहां से जिद पकड़ लूंगा कभी वापस ना आने की। अनाब ये के आदत एक मुट्ठी जो मंगाने की, सखावत ये के भरती झोलियां सारी जमाने की। मदीना मैं भी जा सकता हूं लेकिन मसला ये है कहां से लाऊंगा हिम्मत उन्हें सूरत दिखाने की। अरे लिपट जाऊंगा कदमों से तो सीने से लगा लेंगे, क्योंकि मेरे आका को आदत ही नहीं ठोकर लगाने की। इसलिए नजर कर रहा हूं पैगाम हकीकत मैं कहां से लाऊं, पैगाम हकीकत Oh.
फंक्शन है। अब ये घर किनका है? गुलामाने मुस्तफा का है, गुलामाने साबिर का है, और ये महीना आमद रसूल का है। 12 रबी अव्वल शरीफ का महीना 12 आने वाली है। तो मेरा दिल कहता है इस शेर को पढ़ूं। जब से
अच्छे हैं तो ये सारा जहान अच्छा है। तमाम मुल्कों में फैली हुई है बदहाली, हमें खुशी है कि हिंदुस्तान अच्छा है।
की जेब से पैसा निकालना बड़ी मुश्किल बात है। लेकिन सर की मोहब्बत है कि सर ने नवाजा है, थोड़ी आवाज बढ़ाई फ्रंट मॉनिटर से। खुदा दौलत नहीं देता कभी कंजूस लोगों को, खजाना उसको ही मिलता है जो तकसीम करता है। तुम में क्यों आई न
मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम लड़ने खड़े जाओ, लड़ाई के लिए मिलकर सभी सरहद पे तुम जाओ, अली की तरह हम दिखलाएंगे तलवार के जौहर, तुम्हारे दुन की तरह सब दुश्मनों पे तीर बरसाओ, मगर आपस में तो एक दूसरे की जान बन जाओ, ये भारत माँ है सबकी माँ, तुम इस पर जुल्म मत ढाओ, मोहब्बत से ए आसिफ तुम सभी को इतना समझाओ क्या, मेरे देश की धरती सोना हो सबके सामने के हुआ क्या है, एक मामूली सी टीम ने उनको भगा दिया और वो इंडिया के सामने लड़ने आए थे। अब मैं कहता हूं अपनी टीम पे फख्र करके, हिंदुस्तान पे फख्र करके, कि मुझसे ना टकराए कोई चीन हो या जापान। आसमां इतनी बुलंदी पे क्यों इतराता है?
भूल जाता है जमीन से ही नजर आता है। बदगुमानी को नहीं छोड़िए खामोशी पर, बात कीजिए तो कोई हल भी निकल आता है। तू ही चाहे तो मुझे रोक ले बढ़कर, वरना मेरे जाने से तेरे शहर का जा जाता है।
कहानियों में हकीकत दिखाई देती है, समीपे
दिखाई देती है। ए बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखा।